हालचाल। तो जैसा कि आपने इंट्रो में देख लिया होगा, मैं हरिद्वार निकल रहा हूँ और ये मेरी पहली सोलो ट्रिप है जो कि बजट फ्रेंडली होगी। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा बेस्ट टू बेस्ट प्राइस में कैसे जाएं, कहाँ रहें और कहाँ से एक्टिवा वगैरह हायर करें, और जो भी कॉस्ट होगी मैं आपको वहाँ बताऊंगा। तो हरिद्वार जाने के लिए दो रूट हैं, एक बाई ट्रेन और एक बाई बस। तो मेरा ये रैंडम प्लान था, तो ट्रेन अवेलेबल नहीं है, बट मेरा बस मुझे अवेलेबल हो गई है, तो मेरी बस की टिकट पड़ी है 500 रुपये। और अगर आपको ट्रेन में जाना होगा तो स्लीपर आपको पड़ेगी समथिंग 250 अराउंड, एंड थर्ड एसी पड़ेगी 500 के अराउंड। तो मेरी तो ये बस की है। चलो कोई नहीं है, फिर आपसे मिलते हैं आगे। और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो अपनी सोलो ट्रिप करना चाहते हैं और उनका बजट ज़्यादा नहीं है, उनका बजट है 2-3 हज़ार रुपये की अराउंड। तो चलिए आपको 2-3 हज़ार रुपये के अराउंड में हरिद्वार घुमवाते हैं और बताते हैं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाएं और कैसे अपना पैसा शेयर करें। तो चलिए आपसे मिलते हैं आगे वीडियो में। भाई बल्लभगढ़ बल्लभगढ़ दिल्ली। तो ये बस स्टॉप पहुंच गया हूं मैं और ये है मेरा दोस्त संजीव जो मुझे ड्रॉप करने आया है। हाँ जी, तो हम बस स्टैंड पहुंच गए हैं, बस का वेट कर रहे हैं, अभी तक नहीं आई। 10:47 का टाइम था आने का, बट अभी 10:50 हो रहे हैं, अभी तक बस ही नहीं आई। करते थोड़ी देर और वेट। इंक्वायरी में बोला था कि आ जाएगी 11 तक, तो इंक्वायरी पर मैंने पता करा था, ये लोग बोले थे कि 10:45 समथिंग बस आ जाएगी, पर 11 तक बज रहे हैं, अभी तक बस ही नहीं आई, वेट कर रहे हैं यार। चलो कोई नहीं, फिर आपसे मिलते हैं बस में बैठ के। बस का अभी थोड़ा वेट करते हैं, फिर मिलते हैं आप थोड़ी देर में। ओके, रस्ते में मुखबरी खा रहे हो? नहीं नहीं, इसमें थी नहीं। तो इस प्रकार को लुगाई बीमार होते निकल जी कि अपनी लुगाई भेज दी मेरे पास। रात के 3:30 और हम पहुंच गए हैं। मेरी राइड अब यहाँ से समथिंग 150 किलोमीटर रह गया है। हरिद्वार यहाँ रुकी हुई है बस थोड़ा होल्ड के लिए, किसी कुछ खाना हो, वॉशरूम करना हो, उसके लिए रुक गई है। तो चलिए कोई नहीं, मिलते हैं आपसे फिर 2-3 घंटे बाद हरिद्वार में। फाइनली हरिद्वार पहुंच गया। यहाँ ठंड काफ़ी है, अलीगढ़ से मिले तो गर्मी लग रही थी, पसीने आ रहे थे, पर यहाँ ठंड है, हवा लग रही है बहुत। चलिए पहुंच गए फाइनली, अब रूम वूम लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे तब रूम लेने के बाद। बज रहे हैं शाम के 4, रूम ले लिया था, बहुत थकान हो गई थी, रात भर सो नहीं पाए थे तो आके सो गए थे। अब फ्रेश व्रेश होती हैं फिर निकलते हैं कहीं घूमने के लिए। हाँ, तो जैसे कि मेरे वीडियो का कैप्शन है बजट फ्रेंडली सोलो ट्रिप, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सस्ते इसमें कैसे आप जाएंगे हरिद्वार घूमेंगे। तो हरिद्वार की टिकट होगी बस की, अगर आएंगे आप तो समथिंग 600, और अगर ट्रेन से आएंगे तो थर्ड एसी में आपको 500 पड़ जाएगी, तो 600 मान लीजिए आप ट्रैवल के, और तो 500 to 600 आपका ट्रैवल का हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप बस से आएंगे या फिर ट्रेन से आएंगे तो दोनों स्टेशन और स्टॉप आमने सामने हैं, और फिर वहाँ से आप ऑटो लेंगे, ऑटो लीजिएगा हर की पौड़ी के लिए, तो वहाँ पर आपको वहाँ से 20 रुपये में ऑटो मिल जाएगा। तो ऑटो लेने के बाद हर की पौड़ी से आगे तो कुछ कुछ डिस्टेंस आगे धर्मशाला हैं, तो वहाँ पे आपको 500-600 रुपये में रूम मिल जाएगा।
तो आप पर पर्सन के हिसाब से 500 में एक रूम ले लीजिए, फिर आप अपना स्टे कीजिए। तो हमने भी स्टे कर लिया है, अब उसके बाद आगे निकलेंगे, फिर आपको धीमे धीमे बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या खर्च हुआ। चलिए फिर आपसे मिलते हैं, थोड़ा फ्रेश व्रेश होकर घूमते हैं फिर निकलते हैं। जी तो रूम वगैरह लेने के बाद अब सबसे पहले हमारा काम है एक एक्टिवा रेंट पर लेने का। चलिए फिर एक एक्टिवा लेते हैं रेंट पर, जिसकी कॉस्ट समथिंग 500 to 600 पर डे के हिसाब से होगी। देखते हैं जो भी उसकी कॉस्ट होती लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं उसके बाद। उसके बाद जाते हैं हम सबसे पहले गंगा जी नहाने। चलिए फिर आपसे मिलते हैं तब। हाँ जी, तो हम आ गए हैं गंगा जी नहाने के लिए। मोस्टली लोग जाते हैं हरिद्वार में हर की पौड़ी पर नहाने, बट हम किसी और घाट पे आए हैं। माना जाता है इस घाट पे पहले जो सप्तऋषि थे वो उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी और पूजा वगैरह करी थी। चलिए पहुँचते हैं वहाँ पे घाट पे, फिर आपसे मिलते हैं और आपको दिखाते हैं वो घाट। स्वामी भूमानंद तीर्थ घाट है, माना जाता है यहाँ पर जो पहले सप्तऋषि थे हमारे वो यहाँ पर तपस्या करते थे, शिव जी की आराधना करते थे, तो इस घाट पर वो नहाते थे। ये इस घाट की लोकेशन है हरिद्वार में, भारत माता का मंदिर है उससे समथिंग 400 to 500 मीटर के पास है। तो आप आइएगा हरिद्वार तो इस घाट पर स्नान जरूर करिएगा। यहाँ पर माना जाता है सप्तऋषि की 7 धाराएँ यहाँ पर मिलती हैं, तो आप आइए इस घाट पे।
हाँ जी, तो हमारा स्नान हो गया। यहाँ पर इस घाट पे कृष्ण जी के, राम जी के कीर्तन हो रहे हैं। चलिए दिखाते हैं आपको कीर्तन, फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से, जाते हैं भारत माता के मंदिर घूम के आते हैं। और यहाँ पे एक दो और अच्छे अच्छे मंदिर हैं, तो वहाँ घूम के आते हैं, फिर आपको उसमें दिखाते हैं। और जो मैंने एक्टिवा ली थी रेंट पर, उसकी कॉस्ट पड़ी थी 500 रुपये पर डे के हिसाब से। तो आप आएँ एक्टिवा लें, अपना मस्त एक्टिवा से घूमें। ऑटो वगैरह से बेटर है एक्टिवा या बाइक को रेंट पर लेना। Thank you.
रात को लेट हो गया था हर की पौड़ी से रूम पे पहुँचते पहुँचते, तो मैं अप्रोक्स 1 बजे करीब अपने रूम पे पहुँचा, फिर थक गया, सो गए थे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मेरा टोटल खर्चा कितना आया। तो मेरा अलीगढ़ से हरिद्वार तक का बस का खर्चा पड़ा 500 रुपये, फिर हरिद्वार से हर की पौड़ी तक के लिए मेरा पड़ा 20 रुपये का, और फिर उसके बाद मैंने वहाँ 500 रुपये में होटल बुक किया, फिर वहाँ पे मैंने अपना फ्रेशअप हुआ, फिर उसके बाद मेरा 500 रुपये की मेरी एक्टिव हायर करी है, उसमें मैंने अपना 500 का पेट्रोल पड़वाया और अपना पूरा हरिद्वार में मैं घूमा आराम से अपने एक्टिवा पे। तो ये मेरा खर्चा हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। तो फिर आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हर हर महादेव।